नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम नीतीश कुमार ने लगातार बिहार में हो रही कोरोना की वजह से मौत और जरूरी दवाओं की जिस तरीके से किल्लत है, खास करके जो जीवन रक्षक दवा मानी जा रही है इस पूरे मामले में रेमडेसिविर, उसकी जो खरीद है उसको शीघ्र करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि विशेष विमान से अहमदाबाद जाकर के वहां से 14,000 जो इंजेक्शन वॉइल्स हैं वो तत्काल लाया जाए बिहार में। और इसके बाद हरकत में भी जो जानकारी है, स्वास्थ्य विभाग आ गया है और अब तैयारी शुरू की जा रही है कि तत्काल जो है विशेष विमान से तो लोग वहां पहुंचे और तत्काल उस दवा को बिहार लाया जाए। तो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से जानकारी दी गई है, सीएमओ बिहार यानी कि मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने विशेष विमान भेजकर अहमदाबाद से 14,000 रेमडेसिविर दवा प्राप्त करने का जो है आदेश दिया है। और इसमें नीतीश कुमार को चेक भी किया गया है। आपको बता दें कि लगातार जो है बिहार में इस दवा की वजह से लगातार मौत की खबरें सामने आती रही हैं, चाहे वो जीएम रोड हो, पटना के तमाम बड़े मेडिकल स्टोर्स हों, वहाँ पर ये दवा है नहीं और इसकी वजह से जो कालाबाजारी वो चरम पर है। 40-50 हज़ार तक एक एक वाइल की कीमत है, जबकि इसकी असल कीमत जो है वो 3,000 के करीब में, 2,500 से 3,000 के करीब में है। और कुछ दूसरी दवाएँ हैं इसी कंपनी की, इसकी कीमत तो 800 और 700 रुपये तक भी है। लेकिन क्योंकि इस दवा की इतनी किल्लत है, क्योंकि अब हालांकि चाहे NMCH की बात हो, WHO की बात हो या एम्स की तरफ से जो नई गाइडलाइन आई है उसमें इस बात के बारे में जिक्र है कि सबके लिए नहीं है, जो गंभीर मरीज हैं बस उनके लिए है और सब में सही तरीके से काम करती भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके के हालात उत्पन्न हुए हैं राज्य के अंदर में, जब मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, हर दिन जो आंकड़ा है वो नया रिकॉर्ड बना रहा है बिहार के अंदर में, और ऐसे में इस दवा की जरूरत इसलिए अब हो गई है क्योंकि ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं, जो अस्पताल हैं, वो क्रिटिकल पेशेंट्स को इस दवा को एक तरीके से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास है नहीं, आप लेकर के आइए। और इसके नाम पर जो खुली लूट है वो मची हुई है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने आज हाई लेवल मीटिंग की और मीटिंग के बाद जो सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है वहाँ से जो जानकारी निकल के सामने आई है उसके मुताबिक जो है 14,000 जो रेमडेसिविर दवा है उसकी खरीद को लेकर के विशेष विमान से अहमदाबाद से लाने का निर्देश दिया है और उसको तत्काल यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य जो महकमा है वो हरकत में आ गया। और जानकारी के मुताबिक अब बहुत जल्द यानी कि कुछ ही घंटों में यहां से विशेष विमान से वो टीम पहुंचेगी और वहां से इस दवा की खरीद करके उसको यहां लाया जाएगा ताकि तत्काल मरीजों को दवा दी जा सके। तो सरकार अब हरकत में आ गई है, लगातार तमाम तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए जहां पर केंद्र से कोटा एलोकेट हुआ है, वहीं दूसरी तरफ में तमाम बंद पड़े जो इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनको शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ जो है सीएम नीतीश कुमार ने उस जरूरी दवा जिसके नाम पर खूब लूट मची हुई है बिहार के अंदर में, उस दवा की तत्काल खरीद को लेकर के जो है वो आदेश निर्गत कर दिया है और कहा है कि विशेष विमान से जो है यानी कि एक तरीके से आप ये मानने चले कि एयरलिफ्ट करके उन दवाओं को अहमदाबाद से बिहार तत्काल लाया जाए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।